बच्चों आज आप चालू कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसे नरेशन भी कहते हैं। ग्रामर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टार्ट ले रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी ऐसा है कि एक बार अगर आपको पकड़ ले किसी स्टैंडर्ड में तो आपको छेक तक ये इंग्लिश में ग्रामर में ये चीज छूटती नहीं है। किसी भी स्टैंडर्ड से डायरेक्ट इनडायरेक्ट चालू होगा आपका तो एंड तक जाएगा, ठीक है। टेंथ में दिखेगा, 11, 12 सब जगह डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिखेगा, ठीक है। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे ग्रामर का। सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहले तो होता क्या है, नरेशन बोलते हैं उसको शॉर्ट में। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है, सो देखो जैसे डायरेक्ट है, ठीक है। सीमा और मैरी दो सहेलियां, सीमा मैरी है दो सहेलियां। सो सीमा ने मैरी को बोला आई एम सिक, आई विल नॉट कम टू स्कूल। सीमा ने मैरी को क्या बोला, सीमा ने मैरी को बोला, मैं हिंदी में बोल के दिखा दूं, सीमा ने मैरी को बोला मैं बीमार हूं, मैं स्कूल नहीं आऊंगी, ठीक है। सीमा ने मैरी को बोला। अब मैरी स्कूल गई और टीचर से मिली, तो जो मैरी स्कूल में गई टीचर से मिली, तो मैरी ने टीचर को बोला, क्या बोला, कि सीमा ने कहा है कि वह बीमार है, वह स्कूल नहीं आएगी। वह हो गया ना, शी आ गया ना, की आया दैट, तो मतलब इनडायरेक्ट है क्या। देखो डायरेक्ट क्या होता है, जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर डायरेक्ट लिखोगे तो कैसे लिखोगे, सीमा सेड टू मैरी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम सिक आई विल नॉट कम टू स्कूल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। पर इनडायरेक्ट में क्या है, इनडायरेक्ट में मैरी टीचर को बोल रही है, मैरी किसको बोल रही है, टीचर को, मैरी टीचर को बोल रही है, थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। मतलब बात किसकी है, सीमा की है, बता किसको रही है, मैरी बता रही है, किसको बता रही है, टीचर को, ठीक है। जब कोई थर्ड पर्सन आपकी बात बता रहा होता है, आपकी बात कहाँ गई, आपकी बात टीचर के पास गई, ठीक है। ऐसे तो देखा जाए इसका मतलब होता है कि भाई इधर की बात उधर करना, ठीक है, आप करते हो ना इधर की बात उधर, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वही है, अहिया नहीं त्या करवी, ठीक है। आप क्या बोलते हो गुजरात में, क्या वर्ड यूज करते हो, सो इधर की उधर, पंचात करते हैं, ठीक है। सो इसमें भाई इसने दो जनों ने बात की और तीसरे जने को जाके बता रहे, देखो जब दो जने बात कर रहे हैं इन्वर्टेड कॉमर्स में तो वो है डायरेक्ट, पर जब तीसरे जने को जाके बता रहे हो दैट बिकम्स इनडायरेक्ट, ठीक है। सो इस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो होता है, ठीक है। सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इतना तो पता लग गया, डायरेक्ट जब दो जने आपस में बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट जब तीसरा जना दो जनों की बात बता रहा है, ठीक है। अच्छा अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो पहले तो जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात आती है तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच ये दो शब्द सुनते हो, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच सुनते हो, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच सुनते हो, ये दो शब्द सुने जाते हैं, ठीक है। सो डायरेक्ट है सीमा सेड आई गो टू स्कूल, ठीक है। मैं अभी एक मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। मैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच समझाना चाहती हूँ आपको, तो ये समझाने के लिए, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। क्या है एग्जाम्पल, सीमा सेड आई गो टू स्कूल, सीमा सेड आई गो टू स्कूल डायरेक्ट है, ठीक है। सीमा सेड आई गो टू स्कूल, ठीक है। सो अब यहाँ देखो, अभी रिपोर्टिंग वर्ब है क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ठीक है। तो इतना याद रखो इनवर्टेड कॉमर्स में होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, जो इनवर्टेड कॉमर्स में होता है वो क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है, इनवर्टेड कॉमर्स के अंदर होता है रिपोर्टेड स्पीच, और जो इनवर्टेड कॉमर्स के बाहर होता है, ठीक है, सैड से टेल ऐसा सब कुछ जो भी, तो उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच होता है, जो सामने वाला बोल रहा है, स्पीच स्पीच मतलब बोलना, ठीक है, स्पीक या स्पीच जो भी। सो रिपोर्टेड स्पीच जो अंदर है वो है रिपोर्टेड स्पीच, और जो बाहर है वो है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। सो रिपोर्टेड स्पीच और ये है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। अच्छा अब इसके रूल्स भी देख लो, अभी देखो ये आपको पता लग गया डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमर्स में होता है। अब रूल्स पढ़ते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करने के, डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में करने के रूल्स पढ़ते हैं, ठीक है। सो आपके रूल्स क्या बोलते हैं, जब भी आपको कन्वर्ट करना हो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, तो देखो कल हमने टेंसेस सीखे थे, टेंसेस मैंने अभी फिलहाल आधे में छोड़े, मुझे पूरा कराना है, पर आप लोगों की डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बहुत ज्यादा आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट ले लिया, टेंसेस मैं करा दूंगी सारे, पर फिलहाल डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते, ठीक है। टेंसेस हमारे होंगे, जरूर होंगे, सारा हम खत्म करेंगे। सो देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है,
अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कन्वर्जन किसका करना है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से आपको करना है इसका, सीमा सेट आई गो टू स्कूल, ठीक है। सो पहला रूल क्या है, कभी भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना, पहला रूल है इन्वर्टेड कॉमास हटाओ, ये जो इन्वर्टेड कॉमास है, ये जो दो कॉमास है ये हटाओ, और इसको हटा के क्या लाओ, दैट, टी एच ए टी, दैट लाओ, ठीक है। सो सीमा सेट दैट, ठीक है। अच्छा अब क्या करो, अभी ये सिंपल प्रेजेंट को किसमें कन्वर्ट करो, सिंपल पास्ट में। मैंने कल सिखाया था ना सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट का सिंपल फॉर्मूला होता है, सिंपल प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, मेन फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म में होता है, ठीक है। सो ये सिंपल प्रेजेंट है, इस सिंपल प्रेजेंट को किसमें कन्वर्ट कर दोगे, सिंपल पास्ट में। अच्छा पहला काम क्या किया, इन्वर्टेड कॉमास हटाए, क्या लिखा, दैट, ठीक है। तो अभी आप क्या करो, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करो। इनडायरेक्ट में मैंने क्या बोला, इनडायरेक्ट में तीसरा आदमी बताता है, तीसरा आदमी बात बताता है, ठीक है। सीमा की बात कौन बता रहा है, तीसरा आदमी। तो तीसरा आदमी कैसा बताएगा, सीमा बोल रही है या सीमा बोलती है कि वह स्कूल जाएगी, वह वह वह, ठीक है। आई, यहाँ क्या है, आई, मैं स्कूल जाऊंगी, पर अब तीसरा आदमी बता रहा है कि सीमा बोल रही है वह स्कूल जाएगी, तो वह क्या होगा, शी, ठीक है। मतलब अगर आप ऐसे नहीं समझ के नहीं समझ पा रहे हो, तो सिंपल ऐसे रूल समझ लो कि जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो तो आपका थर्ड पर्सन लग जाता है, तो आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शी में, ठीक है। क्योंकि सीमा लड़की है ना, सीमा क्या है, सीमा लड़की है, फीमेल है, तो फीमेल के लिए क्या लगेगा, शी, ठीक है। सो पहला काम तो क्या किया, रिप्लेस इन्वर्टेड कॉमास टू दैट। जब भी आप सिंपल प्रेजेंट का कन्वर्जन कर दो, सबसे पहले रिप्लेस इन्वर्टेड कॉमास टू दैट, दैट से रिप्लेस कर दो। फिर दूसरा काम क्या करोगे, ये जो सिंपल पास्ट है, ये सिंपल सिंपल प्रेजेंट है, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल का हमने सीखा था, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, या तो इसको प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। सो सीमा सेड आई गो टू स्कूल, सो सीमा सेड दैट, आई का क्या कर दोगे, शी, ठीक है। क्यों, मैंने आपको कहा ना, हमेशा डायरेक्ट, जब इनडायरेक्ट में होता है तो तीसरा जना बताए, तीसरा तो ऐसे ही बताए ना, वो बोल रही है, वह बोल रही है, ऐसे करके। जब आप बैक बाइटिंग करते हो सामने वाले की लगाई बुझाई, या पंचायत करते हो, तो कैसे बोलते हो कि पहली तो कहती थी आम ने, पहली 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 नहीं करते, पहली का मतलब शी, ठीक है, पहली आम कहती थी। जैसे आप दो सहेलियां एक दूसरे को तीसरी की बात बता रहे हो, कैसे बताओगे, पहली मैंने आम कहती थी, तेम कहती थी, कैसे बता, तो पहली कौन, शी, शी की बात कर रहे हो, ठीक है, या पेला करोगे तो ही, ठीक है। सो मतलब सीमा सेड दैट शी वेंट टू स्कूल, तो आई का क्या होगा, शी। अच्छा फॉर्मूला क्या है, कि अगर सिंपल प्रेजेंट है, अगर सिंपल प्रेजेंट है वो किसमें कन्वर्ट होगा, सिंपल पास्ट। सो यहाँ देखो सिंपल प्रेजेंट है, गो, गो क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है वो किसमें है, सिंपल प्रेजेंट में, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, सिंपल पास्ट में। सो गो का क्या हो जाएगा आपका, वेंट, आई का क्या हो जाएगा, शी, ठीक है। सीमा सेड दैट, आई का शी, शी वेंट टू स्कूल, ठीक है, सीमा सेड दैट शी वेंट टू स्कूल, ठीक है, इस तरह से। सो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट है फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में, और सिंपल पास्ट है, मेन वर्ब है सेकेंड फॉर्म में, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, सिंपल पास्ट है, मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में। सो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है, गो का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, गो का सेकेंड फॉर्म होगा वेंट, सीमा सेड दैट शी वेंट टू स्कूल, ठीक है। सो इस तरह से आपने ये क्या किया, आपने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया, ठीक है। अच्छा अभी थोड़ा और एग्जांपल देख लेते हैं, मतलब सिंपल प्रेजेंट के। सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, जब सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या होता है, सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो आप उसको सिंपल प्रेजेंट को किसमें कन्वर्ट कर देते हो, सिंपल पास्ट, जो फर्स्ट फॉर्म है उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हो, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। आप पढ़ते थे ना फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ऐसे मैम ने, किसी भी मैम ने रटाया होगा, आप किसी भी स्टैंडर्ड में हो, अगर ग्रामर है तो बस वो लाइनें रटा दी होंगी, कि बहुत लिख 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 किया होगा आपने, 50-100 ऐसे तो कितने लिखे होंगे, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। सो अगर आपको नहीं आता है तो मैं टेंसेस में वो चलाने वाली हूँ, मैं लास्ट में चलाऊंगी वो, ग्रामर आपकी अच्छे से होगी, ठीक है, मतलब आपकी जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं ग्रामर में शुरू से, तो वो आपकी सॉल्व हो जाएंगी, पर अभी फिलहाल डायरेक्ट इनडायरेक्ट बीच में ले लिया है, पर टेंसेस जब डिटेल में चलाऊंगी
तो टेंसेस में आपका सब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि है मतलब, पर अभी भी आपको सही लगेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी, पर टेंसेस से आपको ज्यादा, तो टेंसेस हमारे होंगे जब भी, फिलहाल हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगर देखो ये जैसे द गर्ल सेट है, द गर्ल सेट, अब देखो इसको गर्ल सेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के आई रीड इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब इसको किसमें कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट। सबसे पहली चीज क्या करनी है, रूल के हिसाब से इन्वर्टेड कॉमा हटा दो, क्या लगा दो, दैट, द गर्ल सेट दैट। दूसरी चीज टेंस देखो कौन सा है, अंदर टेंस क्या है, आई रीड इन द मॉर्निंग, रीड क्या है, रीड है सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट को किसमें कन्वर्ट करना है, सिंपल पास्ट। सो ये प्रेजेंट टेंस का कौन सा फॉर्म है, ये प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट फॉर्म है। रीड क्या है, फर्स्ट फॉर्म, रीड क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसको किसमें कन्वर्ट कर दोगे, सेकेंड फॉर्म, तो ये किसमें हो जाएगा, सिंपल पास्ट में हो जाएगा। सो द गर्ल सेड दैट आई का शी, शी रीड इन द मॉर्निंग, ठीक है, ठीक है। द गर्ल सेड दैट आई का हो गया शी, शी रीड इन द मॉर्निंग, ठीक है। सेकेंड दे सेड कॉमा, द अनवर्टेड कॉमर्स में वी प्ले फुटबॉल, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स में वी प्ले फुटबॉल। सो देखो दे सेड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिए, दैट आ गया, ठीक है। दे सेड दैट, वी का क्या हो जाएगा, दे, दे, अब प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड, प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड, क्यों, सेकेंड फॉर्म मैंने पढ़ाया था ना कि सिंपल प्रेजेंट को इसमें कन्वर्ट करना है, सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को किसमें कन्वर्ट करते हैं, सेकेंड फॉर्म में। जैसे यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या था, रीड था, पर रीड का फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म रीड 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 ही होता है, ठीक है। आपने जब भी सीखे हो फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, तो रीड 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 तीनों में वही होता है, ठीक है। अच्छा इसमें देखो फर्स्ट फॉर्म प्ले का फर्स्ट फॉर्म प्ले है, सेकेंड फॉर्म क्या है, प्लेड है, ठीक है। सो दे सेड दैट, वी का क्या हो जाएगा, दे, मैंने आपको बोला ना थर्ड पर्सन में कर देने का, क्योंकि बात कौन, इनडायरेक्ट में क्या होता है, तीसरी तीसरा जन बात बता रहा होता है, ठीक है। दो जनों की बात कौन बता रहा होता है, तीसरा जन, तो तीसरा जन तो बताएगा ना वो। जैसे देखो अभी अगर इसका हिंदी करती हूँ मैं, ठीक है, और आप गुजराती, आप गुजराती करना, मैं हिंदी बोलती हूँ, मैं हिंदी करती हूँ, ठीक है। सो अपने रीत से करते हैं, दे सेड, उन्होंने कहा वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं, उन्होंने कहा हम फुटबॉल खेलते हैं। अच्छा अब ये तीसरा जना ये बात बता रहा, तो कैसे बताएगा, उन्होंने कहा कि वो फुटबॉल, वो क्या हुआ, दे, ठीक है। सो वी का क्या हो जाएगा, दे, दे प्लेड फुटबॉल, ठीक है, और प्रेजेंट का क्या हो जाएगा, पास्ट, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ देखो थर्ड वाला, द बॉय सेड, लड़के ने कहा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द टीचर टीचेस मी, टीचर मुझे पढ़ाती है, लड़के ने कहा टीचर मुझे पढ़ाती है। अच्छा अब टीचर का थर्ड पर्सन क्या करोगे, टीचर तो टीचर ही है, टीचर का क्या थर्ड करोगे, जैसे आई था तो उसका ही शी कर देते थे, वी था तो दे कर देते थे, टीचर तो टीचर ही रहेगी ना, उसका क्या थर्ड पर्सन है, उसका तो वही नाम ही है टीचर का, मतलब एक मतलब टीचर थोड़े आप थर्ड पर्सन में आता है, पर टीचर तो टीचर ही लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना इसका ही शी कुछ नहीं कर देना, द टीचर का द टीचर ही। द बॉय सेड दैट द टीचर टीचेस का क्या हो जाएगा, थॉट, टीचेस का क्या हो जाएगा, थॉट, क्यों, फर्स्ट फॉर्म टीचेस क्या है, टीचेस है फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस है, उसको किसमें कन्वर्ट करोगे, पास्ट टेंस, तो टीचेस का क्या हो जाएगा, थॉट हो जाएगा, टीचेस का हो जाएगा थॉट, थॉट मी का क्या हो जाएगा, हिम, क्यों हिम, क्योंकि बाहर देखो बॉय है, ये देखो बॉय है ना, इसलिए यहाँ हिम हो जाएगा, देखो मी मी बदलेगा, क्योंकि अंदर सब कुछ थर्ड फॉर्म में हो जाता है, तो टीचर का तो मैंने कहा थर्ड फॉर्म, टीचर खुद ही थर्ड फॉर्म है, तो टीचर का कुछ नहीं करो, मी का क्या हो जाएगा, हिम, हिम क्यों किया, क्योंकि बाहर बॉय था, अगर बाहर द गर्ल होता तो क्या कर देते, हर कर देते, यहाँ क्या करते तुम आंसर में, हर, आंसर में क्या कर देते, हर कर देते, अगर बाहर सपोज दे होता, दे दे टी एच ई वाई दे वो, तो उसका क्या कर देते, देम कर देते, हिम का क्या कर देते, देम, ठीक है। सो इस तरह से आप जो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में अगर टेंस प्रेजेंट फॉर्म में है, अगर टेंस, अगर ये रिपो
रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट फॉर्म में है, प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो ये उसके रूल्स हैं, ठीक है। इसलिए मैंने टेंसेस पहले आपको कल आपको एटलीस्ट मैंने आपको टेंसेस के आइडिया दे दी कि टेंसेस है क्या, इसलिए फिर मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट चालू किया। आपको पता लगा क्यों मैंने, अभी भी मेरे को टेंसेस तो बहुत अच्छे से पढ़ाने हैं और उसमें लेक्चर्स बहुत लगेंगे, ठीक है, तो मैं वो कराऊंगी आपको, पर फिलहाल डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोग घड़ी घड़ी मेरे को बोल रहे थे इसलिए मैंने ले लिया है। तो अभी आप देखो ध्यान से, तो मतलब यहाँ देखो सिंपल सिंपल प्रेजेंट को किसमें कन्वर्ट कर दिया, सिंपल पास्ट में कर दिया, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिए, वो किसमें लग गया, दैट में, ठीक है। सो ये याद रहा हो गया। अच्छा अब मैं थोड़ी सा और इसके एग्जांपल लिखाती हूँ, तीन लिखाने के बाद और भी एग्जांपल देख लो तो आपको और अच्छे से आइडिया आ जाए कि भाई ये है क्या, ठीक है। यहाँ मैं कॉमा लगाना भूल गई, यहाँ लगा देती हूँ, ठीक है। टीचर सेड दैट, टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई गो टू स्कूल, ठीक है। अभी हम बाकी रूल्स भी देखते हैं। बच्चों अभी देखो यहाँ पे हमने अभी तीन देखे कि भाई किस तरह से होते हैं, अब थोड़े और भी देख लो एग्जांपल्स। देखो फोर्थ एग्जांपल है, फोर्थ एग्जांपल क्या है, द टीचर सैड द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। तो मैंने आपको क्या सिखाया है, पहले इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करो और दैट लगा दो, द टीचर सैड दैट, ठीक है, दैट लगा दिया। अब देखो द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो द सन अब राइज का क्या हो जाएगा, रोज हो जाएगा, पर देखो मैंने आंसर क्या लिखा है, द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, मैंने रोज नहीं लिखा है, क्यों मैं बताती हूँ। देखो द सन राइजेस इन द ईस्ट ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सच्चाई है, मतलब आप ये सच्चाई है, मतलब दुनिया ने ये सच्चाई मानी है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो जो सच्चाई मानी है दुनिया ने उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। भले आपका रूल बोलता है कि प्रेजेंट को पास्ट में करो, राइजेस का रोज करो, पर आप नहीं करोगे, या राइजन, ठीक है, राइज या राइजन रोज, जो भी आपका रूल बोलता है कि सेकंड फॉर्म में करो, तो आप नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सच्चाई है जो दुनिया ने मानी है कि हाँ भाई सन राइज करता है, तो हम सिंपली खाली दैट लगा के सेम टू सेम सेंटेंस लिख देंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब भी रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच किसको बोलते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, उसे कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। तो जब भी आपका रिपोर्टेड स्पीच अगर, रिपोर्टेड स्पीच अगर किसमें है, रिपोर्टेड स्पीच अगर किसमें है, रिपोर्टेड स्पीच है सिंपल प्रेजेंट में, तो आप करते हो पास्ट में, सिंपल पास्ट में कर देते हो, फर्स्ट फॉर्म को किसमें कन्वर्ट कर देते हो, सेकेंड फॉर्म। पर अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब सच्चाई है जो पूरी दुनिया ने मानी है, उसको आप कुछ टच नहीं करोगे, दैट करके सेम टू सेम लिख दोगे, ठीक है। माय फादर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, माय फादर सेड, सो माय फादर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सेम टू सेम दैट करके सेम टू सेम लिख दोगे, इन्वर्टेड कॉमास है, दैट करके सेम टू सेम लिख दोगे, ठीक है। माय फादर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। फिर सिक्स नंबर देखो, अच्छा तो ये दो मैंने आपको क्या बताया, ये दोनों एग्जाम्पल थे यूनिवर्सल ट्रूथ के। अब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी मतलब सच्चाई, बेस्ट पॉलिसी मतलब सच्चाई ही, भाई सबसे भाई ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नहीं कहते हैं कि भाई सच्चाई के बारे में बड़े बड़े, तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो सही बात है, भाई ऑनेस्टी एक सही सही चीज है, ठीक है। सो मेरे पापा कहते हैं ऑनेस्टी इज द भाई, तो उसमें इसका वर्स नहीं होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सच्चाई है जो पूरी दुनिया ने मानी है कि भाई सच्चाई एक अच्छी चीज है, ठीक है, ये पूरी दुनिया ने मानी है, ठीक है। सो माय फ्रेंड माय फादर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। सो ये दो एग्जांपल्स मैंने किसके दिए आपको, यूनिवर्सल ट्रूथ के दिए, ठीक है। मैं आपको वही सिखा रही हूँ, मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कन्वर्ट करना सिखा रही हूँ। मैंने आपको बताया कि सिंपल प्रेजेंट किसमें कन्वर्ट होता है, सिंपल पास्ट, मतलब रिपोर्टेड स्पीच अगर सिंपल प्रेजेंट हो उसमें कन्वर्ट होगा, सिंपल पास्ट में कन्वर्ट होगा। तो मैंने बताया कि भाई यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसमें टच नहीं करने का, दैट करके सेम टू सेम लिख देने का, ठीक है। अब जो मैं दूसरा एग्जांपल, मैंने सिक्स और सेवन पे स्टार लगाया हुआ है, ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट क्वेश्चन क्यों है, कुछ अलग है, क्या अलग है देखो, यहाँ पे देखो
माय फ्रेंड सेड ही वांट्स टू कम नाउ. अच्छा, आपको अभी कुछ डिफरेंट दिख नहीं रहा होगा. आप सोच रहे होगे मैम कह रही डिफरेंट है, डिफरेंट क्या है. सो देखो, मैंने आपको क्या सिखाया भाई, माय फ्रेंड दैट, माय फ्रेंड सेड दैट ही वांटेड, वांट्स का क्या हो जाएगा, वांटेड टू कम नाउ. वांट्स का वांटेड हो गया मेन वर्ब, वांट्स मेन वर्ब है ना, वांट्स क्या है, मेन वर्ब है. तो वांट्स का क्या हो जाएगा, वांटेड दैट ही तो ही में ही रहेगा क्योंकि ही थर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, हमको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है. वह मेरे, जैसे मेरे दोस्त ने कहा वह अभी आना चाहता है, तो इसका उसका इनडायरेक्ट कैसे करेंगे, मेरे दोस्त ने कहा कि वह आना चाहता है, वह, ठीक है. सो मतलब वह, तो वह उसमें भी वह, उसमें भी वह, सॉरी. सो ही का ही रहेगा, ठीक है. सो माय फ्रेंड सेड दैट ही वांट्स का वांटेड टू कम. अच्छा, अब यह नाव का मैंने देन कर दिया, यह ध्यान दो, मैंने आंसर में नाव का देन कर दिया, यही चीज, इसलिए मैंने स्टार लगाया, ये चीज दिखाने के लिए मैंने स्टार लगाया है. और आपको एक्चुअली एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, वो जो मैंने सिंपल सिंपल करा वैसे नहीं आते. ये देखो, ये ऐसे आते हैं, नाव का क्या हो गया, देन हो गया, ठीक है. रिपोर्टेड स्पीच में नाव था, वो रिपोर्टिंग, जो रिपोर्टेड स्पीच में नाव था क्वेश्चन में डायरेक्ट में, वो इनडायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो गया, देन हो गया, ठीक है. सो सेम सेवंथ, ही सेड आई विल कम टुडे, ठीक है. सो ही सेड दैट, ही, आई का ही हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में ही है, आई का थर्ड फॉर्म करोगे ना, ही. ही विल का क्या हो गया, वुड. विल का क्या हो गया, वुड. अब यहाँ देखो, ये वुड कम टुडे का क्या हो गया, दैट डे, ठीक है. तो ये तो मैंने आपको सिखाया नहीं, ऐसा तो रूल कहीं बताया नहीं है. मैंने क्या करा है, देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या क्या बदलाव किए. पहले वाले में देखो, माय फ्रेंड सेड दैट ही वांटेड टू कम, नाउ का क्या कर दिया, देन कर दिया आंसर में. फिर ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, दैट ही सेड दैट, आई का क्या हो गया, ही. विल का वुड, ही सेड दैट ही वुड कम टुडे का क्या हो गया, दैट डे हो गया. टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, ठीक है. He said that he would come that day. ठीक है. So इस तरह से ये क्वेश्चन है, सेवंथ का ये आंसर है. He said that I का he, will का would, come today का that day. ठीक है. So यहाँ देखो, तो अब ये चेंज कैसे है, will का would हो गया, today का that day हो गया, now का then, तो ये होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये शब्द आपको याद करने पड़ेंगे. आप गोखो, याद करो, लिख के करो, या पेज फाड़ के उसका चाय बना के पी जाओ, जैसे भी याद करना है आपको करना है, ठीक है. कौन से जो शब्द बदलते हैं, जो शब्द डायरेक्ट के रिपोर्टेड से इनडायरेक्ट के रिपोर्टेड में बदलते हैं, वो शब्द हैं ये. देखो अब यहाँ पे, तो जब आप चेंज करते हो, चेंज फ्रॉम डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच में कुछ शब्द बदलते हैं. कौन से, विल क्या हो जाता है, वुड. देखो ये ना मैंने एग्जाम्पल लिखा था, विल देखो किसमें हो गया, वुड में. नाउ किसमें हो गया, देन में. सो देखो यहाँ पे नाउ किसमें हुआ, नाउ हो गया देन में, ये नाउ है देन में हुआ, ठीक है. हेयर किसमें हो गया, देयर में. हेयर हो गया देयर में. दिस हो गया दैट में. दीज हो गया दोज में. टुडे हो गया दैट डे में. टुनाइट हो गया दैट नाइट. लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट. ये याद करना पड़ेगा, ठीक है, ये सब याद करना पड़ेगा. अगर डायरेक्ट में ये सारे शब्द हैं, डायरेक्ट में ये सारे शब्द हैं, तो इनडायरेक्ट में सब ऐसे बदल जाएंगे, ठीक है. कितने, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, 14 है नेक्स्ट वीक, ठीक है. अब यहाँ देखो, विल का वुड, नाउ का देन, हेयर का देयर, दिस का दैट, दीस का दोस्त, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, ठीक है. लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, यस्टरडे द प्रीवियस डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, कल द नेक्स्ट डे, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक, नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक, आने वाला, लास्ट मंथ द प्रीवियस मंथ, पिछला, नेक्स्ट मंथ अ मंथ आफ्टर, ठीक है. ये 14 चीजें, ये 14 चेंजेस होते हैं जब भी आपका डायरेक्ट, डायरेक्ट का रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये सारे शब्द आ रहे हैं, इनमें से कोई भी शब्द आ रहा है, तो जब आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, जब आंसर लिख रहे हो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपके रिपोर्टेड स्पीच में ये बदलाव लाने पड़ेंगे, ठीक है. ये बदलाव आपको लाने पड़ेंगे. ये 14 शब्द मैं कहूंगी आप 2 times लिखना, ठीक है. आपको मैं भले एक बार ही लिखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्योंकि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट इतना ज्यादा प्रॉब्लम वाला है टॉपिक, आपको कभी समझ ही नहीं आता है, कोई कितना भी समझाता है समझ ही नहीं आता है, पल्ले ही नहीं पड़ता है. तो ये जो 14 जो है कीवर्ड्स हैं वो लिखो, कि जब भी चेंजेस होते तो कैसे होते हैं, रिपोर्टेड में
चेंजेस कैसे होते हैं, तो नाउ हो जाता मतलब आंसर में इनडायरेक्ट में चेंजेस कैसे हो जाते हैं, रिपोर्टेड में, रिपोर्टेड स्पीच में विल वुड हो जाएगा, नाउ देम हो जाएगा, हेयर देयर दिस दैट दिस दोस टुडे दैट थे। तो देखो यहाँ, देखो यहाँ ऐसा एक ही शब्द आया था, नाउ का हुआ देन, यहाँ दो शब्द है, विल का वुड किया, टुडे का दैट डे, ठीक है। सो इस तरह से हमें ये आपको खास ये 14 शब्द याद करने हैं। अब हम देखते हैं आगे, बच्चों अभी यहाँ देखो, अगर अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। हमने अभी क्या देखा, सिंपल प्रेजेंट को किस में कन्वर्ट किया जाता है, सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में, उसको कौन से टेंस में कर देते हैं, सिंपल पास्ट में। फिर बाकी थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन है उसे थर्ड पर्सन में कर देते हैं, दैट लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज है जो आप शायद आपके मन में आ रही हो, आप कहेंगे कि मैम आप हर जगह सैड दैट ही लगा रहे हो, ठीक है, आपने कहीं टोल्ड लगाया ही नहीं है, जबकि आपने कई बार ही टोल्ड भी देखा है, आपकी मैम कभी टोल्ड भी करा देती। तो पता है वो कब होता है, वो तब होता है जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब में एक ऑब्जेक्ट भी दिया हो। मतलब जैसे यहाँ पे शी सैड टू मी, अगर क्वेश्चन ऐसे होता, सपोज ऐसे क्वेश्चन होता शी सैड टू मी, यहाँ अगर यहाँ टू मी होता, अगर सपोज यहाँ शी सैड टू मी होता, यहाँ ऑब्जेक्ट देते, ठीक है, यहाँ टू मी, शी सैड टू मी होता तो शी टोल्ड मी होता, ठीक है। सैड का टोल्ड कब हो जाता है, जब आपको एक ऑब्जेक्ट दिया हो, जब आप अकेले कुछ बोल रहे हो, जैसे आपने शी सैड था तो आप शी सैड ही लिखोगे, ठीक है। पर अगर शी सैड टू मी इस तरह से हो तो सेट टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड। ये याद रखना, टोल्ड कब होता है, जब आपको रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग इन्वर्टेड कॉमा से पहले अगर आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो सेड का, सेड टू का टोल्ड हो जाता है। कब, जब आपको ऑब्जेक्ट, तो मी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मी दिया हुआ है, यहाँ अगर प्लेन है तो शी सेड दैट, शी सेड टू मी है तो शी सेड दैट, ठीक है, शी टोल्ड दैट, टोल्ड मी दैट, शी टोल्ड मी दैट, ठीक है। तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि मैम कब से सेट 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 ही कर रही हैं, मैम ने एक जगह भी टोल्ड भाई टोल्ड नहीं लिखा, जबकि मैम कभी कभी, आपके स्कूल के टीचर कभी कभी टोल्ड भी लिख देती हैं। तो रीजन यही है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट है, आपके पास ऑब्जेक्ट है तो ही ऐसा होगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको सिंपली दैट लगा देना है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो प्रेजेंट, अच्छा अब मैंने, हमने सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट, अगर रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में है, रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में है तो उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल पास्ट में, ठीक है। अब सपोज रिपोर्टेड स्पीच है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, सपोज रिपोर्टेड स्पीच है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो उसको किस में कन्वर्ट करोगे, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करोगे। सपोज रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, उसको किस में कन्वर्ट करोगे, पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। कैसे, तो She said I am going today, ठीक है, She said I am going today, तो इसका कैसे होगा, She said that, इन्वर्टेड कॉमा का क्या हो जाएगा, that, She said that, I का क्या हो जाएगा, She, ठीक है, I का क्या हो जाएगा, She, She said that, She, M का was, ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, पास्ट में। तो आपको पता होगा जब भी प्रेजेंट पास्ट में कन्वर्ट होता है तो इज एम आर किस में हो जाता है, इज एम आर किस में हो जाता है, वॉज या वर्ब में हो जाता है, ठीक है। तो आई एम, एम का क्या हो जाएगा, वॉज, ठीक है, शी, सो आई का शी हो जाएगा और एम का हो जाएगा वॉज, गोइंग, टूडे का, दैट डे, में आगे वो 14 वर्ड्स लिखाए थे, टूडे का दैट डे होता है, ठीक है, सो टूडे का दैट डे, ठीक है।
शी सेड दैट। अच्छा अब आप आई का शी क्यों हो गया, आई का शी इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे भी पंचायत कर रही है, वो दूसरा जना दूसरे को बता रहा है, तो वो कह रही है कि वह वह तो वह तो शी हुआ ना ये, ठीक है। शी सेड दैट शी वॉज गोइंग दैट डे, ठीक है। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक। कंटिन्यूअस मतलब जो काम चल रहा है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हो, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हो तो आप क्या करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो आप क्या करोगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हो रिपोर्टेड स्पीच तो आप किसमें कन्वर्ट करोगे, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट जब आपका हैज हैव प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, ठीक है। हैज हैव प्लस हैज हैव प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट, माय फादर सेड आई हैव कम, तो ये हैव, ठीक है। कम क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ हैव, हैज या हैव है, इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट को किसमें कन्वर्ट कर दोगे, पास्ट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, हैज हैव की जगह क्या लग जाएगा, हैड, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की जगह थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो माय फादर सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा हट गया, दैट लग गया, आई का हो गया ही, क्यों, क्योंकि पापा के बारे में बात हो रही है और पापा कौन है, मेल है, तो आई का हो जाएगा ही। हैव का हैड हो गया, क्यों, क्योंकि रूल है, हैज हैव किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हैड में। प्रेजेंट परफेक्ट जब पास्ट परफेक्ट में जाता है तो हैज हैव किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हैड में। तो ही हैड कम, कम होगा, क्यों, क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब केम का कम ही, कम का कम ही होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कम का कम ही होता है, ठीक है। सो ही हैड कम, ठीक है। अच्छा अब यहां देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वो किसमें कन्वर्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किसमें कन्वर्ट होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो किसमें कन्वर्ट होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट होगा। सो जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी आएगा ही आएगा, अभी प्रेजेंट है और परफेक्ट भी है। दे सेड इन्वर्टेड कॉमा वी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। सो देखो जब भी अगर प्रेजेंट परफेक्ट हो कंटिन्यूअस हो तो हैज हैव प्लस बीन आईएनजी, हैज हैव बीन प्लस आईएनजी, ठीक है। सो वो किसमें कन्वर्ट होगा, हैज हैव बीन ओनली हेड में कन्वर्ट होगा, देखो मैंने लिखा भी है, हैज हैव किसमें कन्वर्ट होगा, हेड में, ठीक है, हेड प्लस आईएनजी में, ठीक है, हैज हैव बीन हैड बीन प्लस आईएनजी, ठीक है। सो देखो यहाँ पे दे सेड वी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, सो दे सेड कौन, दे वो बोल रहे हैं वो, सो दे सेड दैट दे वी का क्या हो जाएगा, दे, यहाँ क्या हो रही है, फिर से पंचायत हो रही है, तीसरा जना बता रहा है बात, तो दे वो। सो दे सेड दैट दे हैव बीन वर्किंग का क्या हो जाएगा, हैड बीन वर्किंग, हैव बीन का क्या हो जाएगा, हैड बीन वर्किंग, ठीक है। दे सेड दैट दे हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, दे सेड दैट दे हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, दे सेड दैट दे हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे, इन्वर्टेड कॉमा हटा दो, डेट आ गया, वी थर्ड फॉर्म में, मैंने थर्ड पर्सन वी का दे, हैव बीन वर्किंग का हैड बीन वर्किंग, फॉर्मूला है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किसमें कन्वर्ट होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हैव बीन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हैड बीन वर्किंग, हैव बीन किसमें, हैड बीन, सिंस का सिंस मॉर्निंग ही होगा, ऐसा कोई शब्द ही नहीं है, हमने वो 14 शब्द देखे थे, सिंस कोई नहीं था, ठीक है। दे सेड दैट दे हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो, अब देखो यहाँ मैंने आपको क्या सिखाया, प्रेजेंट हो तो पास्ट में कैसे करने का, सिंपल प्रेजेंट था तो किसमें कन्वर्ट किया, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो किसमें किया, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट था तो किसमें किया, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट था तो पास्ट परफेक्ट,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, तो सब प्रेजेंट वाले थे. अगर रिपोर्टेड स्पीच सारे प्रेजेंट में थे तो हमने प्रेजेंट में ही कन्वर्ट किए, पर उनके अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट किए, अलग अलग टाइप्स में कन्वर्ट किए. पर अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका पास्ट में हो तो क्या करोगे, ठीक है, तो उसके लिए भी रूल्स है. ये रूल्स का ही है, ग्रामर इज ऑल अबाउट रूल्स, ठीक है. मैं रूल्स लिखा के आपको एग्जाम्पल भी दे रही हूँ ताकि आपको समझ आए. सो यहाँ देखो, अगर आप सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में कर रहे हो, ठीक है, सिंपल पास्ट को किस में कर रहे हो, पास्ट परफेक्ट में कर रहे हो, ठीक है. सो एम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. अगर सिंपल पास्ट है, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट में है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट. उसका फॉर्मूला क्या है, सो आपका रिपोर्टेड स्पीच सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में. देखो जैसे माय मदर सेड आई वेंट टू दिल्ली, ठीक है. अभी यहाँ देखो अंदर ये रिपोर्टेड स्पीच है, जो ये रिपोर्टेड स्पीच वेंट आया, वेंट का मतलब ये पास्ट है, पास्ट पास्ट पास्ट. सिंपल पास्ट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल पास्ट में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, जो हो चुका, ठीक है. अगर ये प्रेजेंट होता तो क्या यूज होता, गो गोज ऐसा कुछ यूज होता, ठीक है. पर यहाँ वेंट है, मतलब ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुआ है, मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस है, ये चीज हो चुकी है, सॉरी कंटिन्यूअस नहीं, पास्ट है, सिंपल पास्ट है, ये चीज हो चुकी है. तो आपको अगर रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट है और आपको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करना है तो सिंपल पास्ट को किसमें कन्वर्ट करोगे, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करोगे. किसमें, सिंपल पास्ट को किसमें कन्वर्ट करोगे, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है. सो यहाँ देखो, सो सिंपल पास्ट का फॉर्मूला क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, MV2 मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है. तो आपको सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब किसमें कन्वर्ट करना है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको कन्वर्ट करना है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट करना है. किसमें, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट करना है. कैसे करोगे, सो माय मदर सेड इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखा हुआ है, आई वेंट टू दिल्ली, ठीक है. सो वेंट क्या है, वेंट है सिंपल पास्ट. इसको मतलब रिपोर्टेड स्पीच अगर सिंपल पास्ट में किसमें करेंगे, पास्ट परफेक्ट में. सो माय मदर सेड दैट, आई का क्या हो जाएगा, शी. वेंट का क्या हो जाएगा, हैड गॉन टू दिल्ली, दैट शी हैड गॉन टू दिल्ली. तो वेंट का क्या हो जाएगा, हेड गॉन. कैसे, तो वेंट क्या है, वेंट है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. वेंट क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन, ठीक है. क्या होता है, गो वेंट गॉन, ठीक है. सो वेंट सेकेंड फॉर्म है, उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन. और हेड लग जाता है. जब भी आप सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में करते हो तो फॉर्मूला क्या है, तो अगर सिंपल पास्ट का फॉर्मूला है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है. मेन वर्ब किसमें हो जाता है, थर्ड फॉर्म में. सो वेंट का क्या हो जाएगा, हैड गॉन. वेंट का हो जाएगा हैड गॉन, ठीक है. मतलब और मदर के मारे, माय मदर यूज हो रहा है भाई, मेरी मम्मी, तो ऑब्वियसली शी लिखोगे, ठीक है. मदर है, फीमेल है, ठीक है. डैडी होते, फादर होते तो ही लिखते, मदर है तो शी, ठीक है. और यहाँ क्या कर रहे हो, पंचायती कर रहे हो, दूसरा जना दूसरे को बता रहे, इसलिए शी, ठीक है. सो माय मदर सेड दैट शी हैड गॉन टू दिल्ली, ठीक है. अच्छा नेक्स्ट देखो, पास्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है. अगर पास्ट कंटिन्यूअस है आपका, अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस में है, जैसे वी वर कमिंग, अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस में है तो उसको किसमें कन्वर्ट करोगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करोगे. पास्ट कंटिन्यूअस तो किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है. सो दे सेड वी वर कमिंग, ठीक है. दे सेड वी वर कमिंग, ठीक है. सो अब क्या करोगे, इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगा दोगे, दैट. सो दे सेड दैट, वी का क्या हो जाएगा, दे, ठीक है. और वर का क्या हो जाएगा, हैड बीन, ठीक है. ये फॉर्मूला है, मतलब ये रूल है, पास्ट कंटिन्यूअस वॉज वर प्लस ing होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, हैड बीन प्लस ing. कंटिन्यूअस जहां पे भी वर्ड है, कंटिन्यूअस वर्ड है, मतलब ing लगता ही है, चल रहा है काम, चल रहा है, ing मतलब चलता हुआ काम है. सो वॉज वर का पास्ट कंटिन्यूअस है, तो वॉज वर प्लस ing किसमें कन्वर्ट, हैड बीन.
पास्ट परफेक्ट में होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। देखो सिंपल पास्ट किस में कन्वर्ट हुआ, पास्ट परफेक्ट में। अगर ओनली सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब था तो किस में कन्वर्ट हो गया, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर वॉज वर्ब प्लस आई एन जी था वो किस में कन्वर्ट हुआ, हैड बीन प्लस आई एन जी में। ठीक है, वॉज वर्ब किस में, वॉज या वर्ब था आई एन जी, तो हैड बीन प्लस आई एन जी हुआ। ठीक है, तो अगर पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट किसमें होगा, पास्ट अभी। तो क्या हुआ ये देखो, पास्ट कंटिन्यूअस किसमें कन्वर्ट हुआ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वॉज वर्ब प्लस आई एन जी किसमें कन्वर्ट हुआ, हैड बीन प्लस आई एन जी। सबसे सिंपल हैड लगेगा, ठीक है, हैड बीन, हैड बीन वॉज वर्ब का, हैड बीन आई एन जी। अगर वॉज वर्ब आई एन जी है, वॉज वर्ब प्लस आई एन जी है तो वो किसमें कन्वर्ट होगा, हैड बीन प्लस आई एन जी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट किसमें कन्वर्ट होगा, पास्ट परफेक्ट में ही होगा। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट है, रिपोर्टेड स्पीच मतलब अंदर पास्ट परफेक्ट है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या है, पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला है हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर आपका अंदर हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा तो वो सेम टू सेम ही रहेगा, नो चेंज। पास्ट परफेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच में, अगर रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट है तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो ही सेड आई हैड डन माई वर्क। ठीक है, ही सेड आई हैड डन माई वर्क, तो कैसे चेंज करोगे, ही सेड दैट, आई का क्या हो जाएगा, ही हैड डन, माई का हो जाएगा हिज। ठीक है, ही सेड दैट, ही हैड डन, माई का हिज हो जाएगा। ठीक है, उसका, ठीक है, उसका काम हो रहा है, थर्ड फॉर्म कर रहा है, मतलब थर्ड पर्सन हो रहा है। ठीक है, माई का क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। ठीक है, सो आई का हो जाएगा ही, क्योंकि ही के बारे में बात कर रहा है ना, ही सेड दैट ही हैड डन हिज वर्क, नो चेंज। खाली जो फर्स्ट पर्सन है उसको थर्ड पर्सन में कर दोगे, पंचायत जो कर रहा है उसको मतलब हिज। ठीक है, बाकी कोई चेंज नहीं, देखो अंदर वर्ब में कोई चेंज नहीं किया, हैड डन का हैड डन ही रखा। ठीक है, सो मतलब आपने क्या देखे, प्रेजेंट हो तो प्रेजेंट को कैसे चेंज करने का रिपोर्टेड स्पीच, पास्ट में हो रिपोर्टेड स्पीच तो कैसे चेंज करने का, पास्ट में देखो पास्ट में ही घूम रहे हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, इसमें तो कोई चिंता ही नहीं, इन दोनों में समझना है। ठीक है, रूल्स तो वही है जो है। ठीक है, थोड़ा समझना है, टेंसेस की नॉलेज इसलिए जरूरी है, इसलिए मैंने टेंसेस चालू किया था और मैं टेंसेस करा के ही रहूंगी, मैंने बीच में टॉपिक ले लिया पर टेंसेस आपको आने चाहिए। ठीक है, सो हम कभी जरूर करेंगे, पर फिलहाल आप ये देख लो। तो बच्चों आज एटलीस्ट आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बेसिक तो सीख लिया, मतलब आपको बेसिक भी नहीं आता था, आपको कुछ मतलब आइडिया नहीं थी कि अचानक से भाई क्या हो जाता है, अचानक से भाई आप सोचते थे क्यों दैट आ गया, क्यों सेट टू टोल्ड में हो गया, ऐसे कुछ पता ही नहीं लगता था, क्यों टूडे दैट डे हो गया, क्यों ये सब क्यों हो रहा है। ठीक है, सो जो बेसिक चीजें थी जो आपको मतलब परेशान करती थी कि अचानक से इतने चेंजेस क्यों हो रहे हैं, कम से कम आज वो समझ आ गया। ठीक है, मतलब आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट कम से कम आप में जो बेसिक है, जो चीज आनी चाहिए, ठीक है, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप डे वन से पढ़ रहे हो, इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस पढ़ते हो, तो एटलीस्ट आज आपने बेसिक पढ़ा है, और ये बेसिक में भी आपने बहुत सारा पढ़ा है, कम नहीं पढ़ा है, बहुत ज्यादा चीजें कवर की हैं आज हमने, और हमने एक एक के साथ एक एक एग्जाम्पल भी लिखा है। सो आप अच्छे से करना, बहुत ध्यान से करना, हो सके दो तीन बारी देख लेना, मतलब वीडियो को दो तीन बारी देख लेना, तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, ये जो ग्रामर, जिसका भी सरदर्द है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसका वो सरदर्द क्लीन हो जाए, मतलब सरदर्द रहे ही नहीं। ठीक है, सो बहुत अच्छे से देखना, दो तीन बारी देखना, अच्छे से लिखना, राइट ईच एंड एवरीथिंग। आगे और मैं आपको बताऊंगी और भी किस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा, हम कल कर लेंगे थोड़ा सा और, ये एक दिन में कवर करने वाला टॉपिक नहीं है। सो आज अच्छे से करिएगा, सब कुछ अच्छे से देखिएगा और सारा लिख के मुझे, रूल्स तो बहुत अच्छे से मेंटेन करना, ग्रामर का पार्ट अलग से अच्छे से मेंटेन करना, और वो मुझे लिख के आप भेज देना। ठीक है, सो आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहीं पे फिनिश करते हैं, प्लीज व्हाट्सएप मी ईच एंड एवरीथिंग, राइट इट प्रॉपरली। ठीक है, चलें।
थैंक यू।